नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जनरेशन फाउंडेशन की तरफ से देश और विदेश, नॉट ओनली इंडिया बट फ्रॉम अब्रॉड आल्सो, आप सर लगभग 250 आर्टिस्ट, लगभग संख्या ज्यादा भी हो सकती है, और उनकी पेंटिंग यहाँ पर एग्जीबिट की गई है। ये एग्जीबिशन नहीं है, ये एक्सपो है। एक्सपो और एग्जीबिशन में शायद आप लोग को फर्क मालूम होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एग्जीबिशन स्मॉल स्केल पे होती है और एक्सपो लार्ज स्केल पे होता है। एग्जीबिशन में एक व्यक्ति अपने काम को एग्जीबिट करता है, एंड वेयर इज इन एक्सपो मैनी आर्टिस्ट दे एग्जीबिट देयर वर्क द वे दे लाइक। सो हमारे यहाँ लगभग, अगेन आई एम रिपीटिंग, विभिन्न कलाओं के महारथी, शिल्पकार, मूर्तिकार पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आए हुए हैं, और एक बार आप सभी उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं सभी कलाकारों के लिए, सभी मेहमानों के लिए। चलिए लैंड मेकिंग सेरेमनी। सर आइए, प्लीज आप आइए सर, आगे आइए, तालियां बहुत जरूरी है। अपना किरदार हुआकर, वो हर किरदार की भांति है। अपना किरदार हुआकर वो हर किरदार की भांति है। ये मूर्ति ही है जो चार दिवाली को स्वर्ग बनाती है। आपका हम नाम ले कि ना ले, आप हमारी शक्ति हैं, और वैसे हम लोग खेल शक्ति के प्रति बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बहुत अनुभव है स्वागत करने का और कराने का। वो कहते हैं पहले शॉल बना दीजिए, शॉल बना के जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे हार्दिक पुंडिया साहब, प्लीज सर आप आगे आइए। हार्दिक पुंडिया साहब को मैं थोड़ा परिचय दूंगा सर। इनकी एक मैगजीन निकलती है हीरा माने, और उस मैगजीन की विशेषता ये है, हादी भाई सर, व्यापारी है थोड़ा सा, ये आपका कागज आ रहा है ना, तो वो खराब दिख रहे हो। काम खराब नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एकता बीपी सिंह, फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट, इनकी अभी वेब सीरीज भी बहुत जबरदस्त रिलीज हुई है, और काफी खुशी है इसमें काम कर रहे हैं। पंजाब में अभी इनकी एक फिल्म रिलीज हो रही है, इनके सम्मान में सर आ रहा है। सर यहाँ आइए सर, हाँ यस यस, अरे ये तो चीटिंग हो गया, थोड़ा चलो, ये तो चीटिंग हो गया, चीटिंग धोखा हो गया। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया हो गए,
बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि 250 के ऊपर आर्टिस्ट इकट्ठे आके आपने जो एग्जीबिशन, इतना बड़ा एग्जीबिशन जो बनाया है, बड़ी मेहनत से किया है, मेहनत से बनाया है, इसलिए सबसे पहले घनश्याम जी गुप्ता का और बाकी सभी जो आर्टिस्ट जो है उनका शुक्रगुजार हूँ। आपको कहने को मुझे बहुत आनंद हो रहा है, इसलिए कि गए 15 से 20 बरस मैं यहाँ नेहरू सेंटर में, ये स्कूल ऑफ आर्ट गैलरी में, अलग अलग जो सभी गैलरी में जाता हूँ, उद्घाटन के लिए जाता हूँ। दशहरी को मैं, आपको पता है कि मैं 2-2 बार शरीफ चुका चुका हूँ, फिर सब जगह यहाँ जाना पड़ता है और पैसे लेके जाते हैं, लेकिन आज जो एग्जीबिशन हो गया इज समथिंग फैंटास्टिक, बिकॉज सभी जो आर्टिस्ट लोग जो है उन्होंने उनकी जो कला में जो बेस्ट कला जो है आज यहाँ पेश की है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है ये कहने के लिए कि आज का एग्जीबिशन है इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन। और इसीलिए मैं चाहता हूँ हमारे घनश्याम जी है और सभी जो 250 जो आर्टिस्ट जो है उनका मैं रियली से थैंक यू वेरी मच, द बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड आई एम श्योर यू विल बीइंग वंडरफुली वेल इन द फ्यूचर। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। मैं दीनदयाल मुरारका आज यहाँ पर घनश्याम गुप्ता जी के आमंत्रण पर कला प्रदर्शनी में आया हूँ। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि 250 से अधिक कलाकारों ने अपनी कलाकृति इस दलान में लगाई है। इसमें हमारे देश ही नहीं विदेश से भी आए हुए कलाकार जुड़े हुए हैं और उनकी कृतियाँ देखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं मानता हूँ कि यहाँ एक रेयर ओकेजन है कला के क्षेत्र में जहाँ पर 250 या उससे अधिक कलाकारों को अपने काम को प्रदर्शित करने का मौका मिला है और मुंबई महानगर के कला प्रेमियों को ये सब चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पर देखने का मौका मिल रहा है। निसंदेह ही घनश्याम गुप्ता जी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने हमें यह अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इन कलाकृतियों को देख सके, इनका लाभ ले सके, इनको खरीद सके। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा भविष्य के लिए कि इस तरह के इवेंट वे करते जाए ताकि मुंबई महानगर में लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले। धन्यवाद। मकसद है आर्ट को प्रमोट करना, उसे बेचना, एक्चुअली उसे उसके स्थान को पहुंचाना है जहाँ पर उसका अंतिम स्थान है। कला को अंतिम स्थान होता है जहाँ पे उसका घर मिल जाता है, तो वहाँ पहुंचाने के लिए एक्सपो, एक्सपो का मतलब ये बेचना है, तो दुकान जैसा है, आर्ट कला का व्यापार है यहाँ पे। तो लोगों से मेरा निवेदन है कि आए, कला को समझें, देखें, उससे मोहब्बत करें और उसे खरीद कर अपने घर की शोभा बढ़ाएं। ऐसा सभी कलाकार कला प्रेमियों से करना चाहिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, कितने एंजॉय किया आपने? सर, कला अपने बारे में बोलिए जी। जैसे आप मेरा नाम जान चुके हैं, डॉक्टर एकता गुप्ता सिंह। सर, 2 मिनट खाली अगर साइलेंस रहेगा तो थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन रहेगा यहाँ पर। ओके, गॉट। मैं आर्टिस्ट हूँ और डॉक्टर इसलिए हूँ कि मैंने एमफिल पीएचडी की हुई है, वो भी लिटरेचर में। सो इंडस्ट्री में मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ इस वक्त भी, और थिएटर से मेरा ताल्लुक बहुत ही लंबे समय से है। सो कलाकार जो एक होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, सेंसिटिव होता है, और कला किसी भी फॉर्म में हो, जब हम कला के माहौल में आते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हम एक मंदिर में आ गए। लोग होते हैं, रश होता है, लेकिन फिर भी एक पीस होती है, अच्छा लगता है। मैं स्टेज आर्टिस्ट हूँ, मैं टीवी में काम करती हूँ, मैं फिल्म्स में काम करती हूँ, मेरा चेहरा बोलता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, दर्शक को सामने नज़र आती है। मगर जो पेंटिंग आर्टिस्ट होता है वो एक्सप्रेशन,
रंगों से देता है किसे भी कलाकृति को, किसी भी पेंटिंग को, किसी भी चित्र को। जब हम कोई पेंटिंग देखते हैं, राम जी, मैं इनकी पेंटिंग्स अक्सर देखती हूँ, जब मैं इनकी पेंटिंग्स देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी ये बोल पड़ेगी, बस अभी इसमें सांस आएगी और हमारे सामने एकदम रूबरू खड़ी हो जाएगी। जो पेंटिंग आर्टिस्ट है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल एक जीवंत आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उसके लिए। पेंटिंग आर्टिस्ट जीवंत कलाकार से ज़्यादा महान होता है, ये मेरा मानना है। शायद इसलिए क्योंकि मैं पेंटिंग्स को जीती हूँ, देखती नहीं। शायद मुझे लगता है कि अगर राम जी ने एक पेंटिंग बनाई है मंदिर की, उसमें फूल रखे हैं, घंटा है, तो मुझे लगता है वो फूल इतने ताज़े हैं कि अभी कोई पूजा करके गया है। ये है एक पेंटिंग आर्टिस्ट का दिया हुआ अपनी कला के जरिए एक्सप्रेशन।